सो डियर, यहाँ पे मैं अब बात करने वाला हूँ सॉयल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शंस मैंने बताया सॉयल क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं। सॉयल ऑन द बेसिस ऑफ ICER यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके बेसिस पे सॉयल को डिवाइड किया जाता है। तो जो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो, एलुवियल सॉयल, जो एलुवियल सॉयल होते हैं उस पे जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं वो मीडियम कंस्ट्रक्शन होता है। कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं? मीडियम कंस्ट्रक्शन करते हैं। वही ब्लैक सॉयल, जो जिसको रेगुर सॉयल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें Fe2O3 यानी टाइटेनीफेरस हेमेटाइट होता है ना, ये प्रेजेंट होता है, इसमें जो है स्मॉल कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है हम लोग करते हैं। रेड सॉयल, इसमें हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं। लैटेराइट सॉयल, इसमें भी हम लोग हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं। बाकी और भी सॉयल का क्लासिफिकेशंस यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू बात किया जाए आपका ICER के अनुसार तो किए जाते हैं, जैसे अल्कलाइन एंड सैलाइन सॉयल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल, पेटी एंड मर्सी सॉयल, डिजर्ट सॉयल, ये भी टाइप्स हैं। बट ये सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही चार पांच इम्पॉर्टेंट है। पहला एलुवियल सॉयल, दूसरा है ब्लैक सॉयल जिसको रेगुर सॉयल कहते हैं, रेड सॉयल, ठीक है, लैटेराइट सॉयल, ये जो चार सॉयल हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ दिया जाता है कि इन विच टाइप ऑफ सॉयल हैवी कंस्ट्रक्शन मेड, या हैवी कंस्ट्रक्शन बनाया जा सकता है, या हैवी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो लेटराइट सॉयल और रेड सॉयल, ये दो जो सॉयल है इस पे हम लोग हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक सॉयल है उसमें स्मॉल कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं, मतलब छोटे मोटे वर्क वगैरह है सिविल इंजीनियरिंग का तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा है जो मीडियम है तो मीडियम के लिए एलुवियल सॉयल बेस्ट होता है। ऐसे देखो, अब मान लिए कि अब ब्लैक सॉयल पे हमें बनाना है, तो ब्लैक सॉयल पे ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बना ही नहीं सकते, बना सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होगा, और अगर बना भी देंगे तो वो जो है थोड़ा खर्चीला हो जाएगा, मतलब पैसा वगैरह ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जो है हम लोग वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक सॉयल हमें मिलता है वहाँ पे ज़्यादा लार्ज या ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कोई चांस ही नहीं है, नहीं उस पे ही करना है एट एनी हाउ, तो उसका जो है अल्टरनेटिव हम लोग खोजते हैं, क्योंकि भाई अपन लोग एक क्या है, एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर का काम ही है कि जो काम नहीं हो सकता है उस काम को करना, जो काम नहीं हो सकता है उस काम को करना, वही तो इंजीनियर का काम है। तो वो काम हम लोग अल्टरनेटिव खोज लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है ना, इसका फील्ड एप्लीकेशंस क्या है। तो एज ए फाउंडेशन डिज़ाइन कैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज होता है वो हम लोग बात करेंगे। देयर इज अ थीन लाइन विच सेपरेट फाउंडेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम सॉयल मैकेनिक्स, है ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सॉयल मैकेनिक्स को बस डिवाइड करने के लिए एक थीन लाइन ही है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अलग है और सॉयल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा अलग है, नहीं, बस एक छोटी सी लाइन है जिसकी मदद से हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एनी स्ट्रक्चर हैज टू ट्रांसमिट इट्स लोड टू सॉयल थ्रू फाउंडेशन, फाउंडेशन के थ्रू ही जो है कोई भी सॉयल पे कोई स्ट्रक्चर्स अगर बनाए हैं तो वो लोड ट्रांसफर करता है सॉयल, मतलब फाउंडेशन के थ्रू किसमें, सॉयल में। द नॉलेज इन सॉयल मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बेस्ड ऑन द गिवेन सॉयल प्रोफाइल एंड लोड कमिंग ऑन कॉलम एंड वॉल, वॉल और कॉलम पे कितना लोड आएगा, सॉयल का क्या प्रोफाइल है, किस तरीके के सॉयल पे फाउंडेशन कैसा बनाएंगे, वो जो है हम लोग
कब डिसाइड करते हैं? जब हम लोग सॉयल मैकेनिक्स को पढ़ लेते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर रेड सॉयल है तो हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे, लैटराइट सॉयल है तो भी हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एलुवियल सॉयल है तो मीडियम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ब्लैक सॉयल या रेगुर सॉयल है तो स्मॉल कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। वही चीज़ है यहाँ पे। फॉर फाइंडिंग दिस शियर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल आर रिक्वायर्ड। शियर स्ट्रेंथ जो होता है सॉयल का जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको फाइंड करने के लिए भी जो है सॉयल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। फाउंडेशन आर नॉट ओनली ग्रेडेड अगेंस्ट शियर फेलुअर, ये शियर फेलुअर के अगेंस्ट सिर्फ गार्डेड, मतलब वो गार्डेड नहीं होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सेसिव सेटलमेंट। जो एक्सेसिव सेटलमेंट होता है ना, उसको भी ये क्या करता है, गार्ड करता है, यानी रोकने की कोशिश करता है। फोर प्रिडिक्टिंग सेटलमेंट अंडर द एक्चुअल लोड द कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस जजमेंट नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ सॉयल मैकेनिक्स प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड। तो अगर हमें कितना कोई सॉयल पे लोड लगाएंगे तो वो कंप्रेसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ये इसको जज करने के लिए है ना, कितना उसका बियरिंग कैपेसिटी है सॉयल का, उसको जज करने के लिए, कब कंसोलिडेट होगा है ना, उसको जज करने के लिए, मतलब जज प्रॉपर जजमेंट के लिए, सॉयल का प्रॉपर जजमेंट के लिए कि किस तरीके का सॉयल है, कितना प्रॉपर्टीज़ है, कितना उसमें पानी का मात्रा है, इन सभी को जज करने के लिए भी हम लोग जो है सॉयल मैकेनिक्स का स्टडी करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, पेवमेंट डिज़ाइन में कैसे सॉयल मैकेनिक्स का रोल होता है। तो एज पेवमेंट डिज़ाइन, पेवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो पेवमेंट्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक फ्लैक्सीबल पेवमेंट और दूसरा होता है रिजिड पेवमेंट, है ना, एक होता है फ्लैक्सीबल पेमेंट और दूसरा होता है रिजिड पेमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज पेमेंट्स मच डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ नेचुरल सॉयल ऑन विच दे रेस्ट। जो पेमेंट का परफॉर्मेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉयल है और सॉयल का जो नेचर्स है वो कैसा है, कंप्रेसिबल है, नॉन कंप्रेसिबल है, कंसोलिडेटेड है, अनकंसोलिडेटेड है ना, मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, एयर कंटेंट ज़्यादा है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, ड्राई डेंसिटी कैसा है, तो इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। वॉयड रेशियो कितना है, पोरोसिटी क्या है, तो इन सभी पे हमारा डिपेंड करता है सॉयल, तो उसके क्वालिटीज़ के ऊपर जो है हमारा पेमेंट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, जिस सॉयल पर हमारा पेमेंट बनाया गया है। जो स्ट्रेंथ होता है सॉयल का, उसी को मेनली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल अच्छा होगा तो पेमेंट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, अच्छा होगा, लेकिन अगर स्ट्रेंथ खराब होगा पेमेंट का, मतलब जिस सॉयल पे पेमेंट बनाए हैं उस सॉयल का स्ट्रेंथ खराब होगा, मतलब वीक स्ट्रेंथ होगा, तो जो पेमेंट का परफॉर्मेंस होगा वो भी वीक होगा, हमें कम दिखने को मिलेगा। अनलाइकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रिपीटेशंस ऑफ लोड प्ले अ मेजर पार्ट इन द डिज़ाइन ऑफ पेमेंट। पेमेंट के डिज़ाइन में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रिपीटेशंस ऑफ लोड, ये जो है एक मेजर पार्ट हमारा होता है जब पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं। द स्वेल श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है वो स्वेलिंग और श्रिंकेज जो प्रॉपर्टीज़ है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं सॉयल का है, उसके ऊपर भी डिपेंड जो है हमारा करता है। ऑल पेमेंट्स मटेरियल इंक्लूडिंग सब ग्रेड सॉयल आर कॉम्पैक्टेड इन फील्ड एंड हेंस कंपैक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट में जब एग्जीक्यूशंस कर रहे थे मटेरियल का, तो ऑब्वियसली सॉयल हमारा सबग्रेड के तौर पे उसको बिछाते हैं, तो जब सबग्रेड के तौर पे उसे बिछाते हैं तो उसको
वेल कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए ताकि हमारा पेमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो, बेटर हो सके। उसके बाद आगे बात करें तो एज फार एज पेमेंट्स आर कंसर्न, जैसे जैसे पेमेंट को बेहतर बनाते जाते हैं, सेविंग ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज पॉसिबल ओनली विद अ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉयल मैकेनिक्स। ये सिर्फ पॉसिबल कब हो पाया है, कैसे हो पाता है, जब सॉयल मैकेनिक्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाते हैं। अगर सॉयल मैकेनिक्स हम अच्छे तरीके से स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम लोग जो पेमेंट बनाएंगे है ना, वो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा होगा। अगर ख़राब बनाएंगे तो फिर खराब ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगला एप्लीकेशन है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एज अर्थ रिटेनिंग एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। एनी स्ट्रक्चर विच रिटेन अर्थ इज कॉल्ड बैकफिल। जब अर्थ पे कोई भी स्ट्रक्चर्स को रिटेन करवाने के लिए यानी रखने के लिए हमें जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, बैकफिल कहा जाता है। वेन लैटरल अर्थ प्रेशर इज सब्जेक्टेड, जब लैटरल अर्थ प्रेशर जो है उस पर लगता है तब। फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स, कोई भी स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ प्रेशर एंड मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट, इसको जो है डिटरमाइन करना यानी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये ना कि डिज़ाइन कर रहे हैं कोई स्ट्रक्चर्स को और हम लोग जो है जो अर्थ प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ प्रेशर का मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्रस्ट, इसको डिटरमाइन ही नहीं किया और स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया। पता चला कि स्ट्रक्चर्स जैसे यहाँ पे बनाए है ना, ये स्ट्रक्चर्स बनाए, अब यहाँ से जो है प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो ये बिल्डिंग कैसे हो गया, ये ऐसे टिल्ट हो गया, ऐसे क्या हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया। तो पता चला कि 2-4 साल में वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया। यह हो सकता है कि आप बना रहे हो, हवा आया और दीवार को उठा के लेकर चला गया। कई बार इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए अर्थ रिटेनिंग या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते समय हमें जो है क्या करना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अर्थ प्रेशर का है ना, और जो एप्लीकेशंस है फोर्सेस का, जो रिजल्टेंट फोर्सेस का एप्लीकेशंस है, उसे डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द लैटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड्स ऑन यूनिट वेट एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉयल। सॉयल का जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है और जो यूनिट वेट है उसके ऊपर जो है हमारा क्या डिपेंड करता है, लैटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अगेंस्ट स्लाइडिंग, ताकि वो स्लाइड ना हो जाए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉयल एंड मटेरियल ऑफ वॉल इज रिक्वायर्ड। सॉयल का बीच में जो फ्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस, वो कितना है और मटेरियल ऑफ किस मटेरियल का वॉल बना हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। विच आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल का ये फंक्शन होता है। फॉर डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स लाइक पाइपलाइंस, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, टनल्स, द प्रिंसिपल ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर्स इंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। तो उस कंडीशन में सॉयल स्ट्रक्चर्स का जो इंट्रैक्शन होता है वो हमें क्या चाहिए, जरूरत होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जरूरत होता है। ओके, अब अगला आपका यहाँ पे जो है दिया गया है कि जब हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग या कह सकते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज इज एज ए अर्थ डैम एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कोई बनाते हैं तो उस कंडीशंस में कैसे उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है या क्या एप्लीकेशंस होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एज अर्थ डैम रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ नॉट ओनली कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल, सॉयल का सिर्फ कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं बल्कि फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो सीपेज एनालिसिस फॉर इट्स डिजाइन, वेन एवर वाटर सीप्स थ्रू वॉइड्स ऑफ द सॉयल इट लूजेज
its energy to transferred as seepage pressure. The seepage pressure is found to be proportional to the head. हेड के प्रोपोर्शनल आपका होना चाहिए. मतलब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मान लो कि अगर हम लोग डैम बना रहे हैं, अब डैम बना दिए, खड़ा कर दिए, पता चला कि उसके जहाँ पे फाउंडेशन दिए डैम का, उसके नीचे से पानी घुस के सब पार हो जा रहा है. तो जब नीचे से पानी घुस के पार हो जा रहा है तो उस नीचे खोखला हो जाएगा, नीचे खोखला हो जाएगा तो डैम धड़ाम से नीचे बैठ जाएगा, मतलब टूट जाएगा, तो वो हमारे लिए हानिकारक है. तो जब डैम बनाते हैं तो सिर्फ सॉइल को कॉम्पैक्ट ही नहीं करना है, बल्कि जो सीपेज एनालिस, जो सीपेज फ्लो हो रहा है, जो सीपेज प्रेशर लगेगा, उसको भी एनालाइज करना है कि भाई कितना लैटरल स्टेबिलिटी दें ताकि हमारा जो सीपेज प्रेशर लगे या जो सीपेज हो उसको कम से कम किया जा सके, ताकि हमारा डैम की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे. तो डैम की स्टेबिलिटी बरकरार रखना किसका काम होता है, तो एक सिविल इंजीनियर का काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन वर्क कौन करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा. और सिविल इंजीनियरिंग में भी सॉयल उसमें यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक बेहतर रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर हो जाता है. फॉर फाइंडिंग हेड, हेड को फाइंड करने के लिए कॉजिंग फ्लो At any point, flow net has to be drawn for which knowledge in soil mechanics is required. तो उसको calculate करने के लिए हमें क्या चाहिए, soil mechanics का knowledge होना बहुत ज़रूरी है. For selecting the ideal materials for this filter medium, knowledge about application of soil mechanics is required. या also required यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऑल्सो रिक्वायर्ड. मतलब फिल्टर मीडियम की कौन सा फिल्टर मीडियम यहाँ पे हमें यूज करना है, सेलेक्ट करना है, उसके लिए भी जो है हमें क्या चाहिए, सॉइल मैकेनिक्स का बेहतर नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है. देखिए डियर, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं फेज डायग्राम. फेज डायग्राम क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले. फेज डायग्राम इट कैन बी डिफाइंड एज द डायग्राम विच शोज द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सेपरेटली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग पर्पस, है ना. मतलब कैलकुलेट सॉइल कितना में कितना पानी है, कितना हवा है, कितना सॉइल सॉलिड्स है, उसको पता करने के लिए या उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कि सॉइल कितने कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है, हवा पानी मिट्टी किस चीज़ से मिलकर बना है, है ना, उसके कंस्टिट्यूएंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें जो है फेज डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है. जो फेज डायग्राम है ये दो तरीके का फेज डायग्राम होता है, थ्री फेज डायग्राम और एक होता है टू फेज डायग्राम. जो टू फेज डायग्राम है ये दो तरीके का होता है, एक ड्राई स्टेट और एक होता है सैचुरेटेड स्टेट. जो थ्री फेज डायग्राम होता है इसमें सॉइल सॉलिड, है ना, वाटर और एयर, ये तीनों होता है. जो ड्राई स्टेट में होता है फेज डायग्राम, वो उसमें आपका सॉइल सॉलिड और एयर होता है. जो सैचुरेटेड स्टेट होता है इसमें सॉइल सॉलिड एंड वाटर जो है हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे ये जो सैचुरेटेड है इसको जो है फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट भी हम लोग जो है कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट. इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, फुल्ली ड्राई स्टेट, फुल्ली ड्राई स्टेट. और ये जो थ्री फेज सिस्टम है इसको पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट जो है इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब आगे बात करते हैं, तो थ्री फेज सिस्टम जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने यहां पे बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया है.
which is the again the diagram which shows all three constituent of soil sample. It is used as a usually convention to measure volume on left hand side and weight on right hand side. The total volume of soil sample represented at capital V and total weight of soil sample is represented by total capital W. It is partially saturated, जिसमें liquid, solid और gas आपका जो है पाया जाता है या उसमें होता है. तो यहाँ पे आपका ये जो है थ्री फेज सिस्टम का डायग्राम बनाया गया है. सॉइल सॉलिड जिसको जो है डब्ल्यू एस से जो है क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डब्ल्यू एस जो है ये रिप्रेजेंट आपका करता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है. उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ वाटर, और डब्ल्यू ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ एयर, ठीक है. और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये कैपिटल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये टोटल वेट को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल, है ना. सॉइल सैंपल का टोटल वेट को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. वही अगर वी एस की बात किया जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर. कैपिटल वी जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल. वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम जो है लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉयड, है ना. यहाँ पे अगर ऐसे लिखा जाए वी वी लिखा जाए तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉयड. अब बात आती है कि सर वॉयड क्या होता है, है ना. सवाल आ सकता है कि ये वॉयड क्या होता है. तो वॉयड का मतलब होता है कि सॉइल में जो जहाँ पे या तो पानी या तो एयर भरा हुआ हो. जब सॉइल सॉल में उसमें सॉइल सॉलिड होंगे तो सॉइल सॉलिड के अलावा उसमें थोड़ी बहुत हवा और पानी, या फिर हो सकता है खाली पानी या फिर खाली हवा हो, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं. तो वॉइड क्या होता है, वॉइड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो टोटल वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, टोटल वॉल्यूम या वी टी भी हम लिख सकते हैं या नॉर्मली वी ही लिखते हैं, तो वो हमारा होता है हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड. इसका मतलब कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें क्या हो जाए मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. उसी तरीके से वेट के लिए भी करेंगे तो वेट ऑफ एयर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं. क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट, है ना, उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है. तो वेट ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वॉइड जो होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर का, लेकिन हम लोग वेट ऑफ एयर को नेग्लेक्ट करते हैं. सो वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर. सो टोटल वेट, है ना, सो टोटल वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड. सो टोटल वेट इज इक्वल टू हमारे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड. बस सिंपल है, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा. इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है क्वेश्चंस को, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी. बस वन बाय वन आप क्या करो, देखते चले जाओ. टू फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम में जो है हमें या तो फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट मिलेगा या फुल्ली ड्राई स्टेट मिलेगा. फुल्ली ड्राई स्टेट में क्या होगा, सॉइल सॉलिड देखने को मिलेगा, सॉइल सॉलिड और एयर जो है हमें देखने को मिलेगा, तो वो हमारा फुल्ली ड्राई कंडीशंस आएगा. यानी डायग्राम विच शोज टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल का दो ही कंस्टिट्यूएंट यानी दो ही पार्टिकल्स को या दो ही पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो है टू फेज डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो डायग्राम है, और टू फेज डायग्राम में भी ये फुल्ली
ड्राइड या ड्राई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे टोटल वेट जो है ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू, वेट ऑफ एयर एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इधर टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी, वी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा जो है यहाँ पे इस कंडीशंस में हमें देखने को मिल जाएगा। ओके अब इसके बाद हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पे जो है जानना है जब हमारा क्या हो जाएगा, जब फुल्ली सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड स्टेट में आएगा तब। तो जब सैचुरेटेड स्टेट में सॉइल आता है तो उसमें सॉइल सॉलिड है ना, सॉइल सॉलिड और लिक्विड हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे सॉइल सॉलिड है और यहाँ पे वाटर है। ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉइल सैंपल को, और डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वेट ऑफ वाटर, और डब्ल्यू एस जो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। कैपिटल वी जो है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वी एस जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और वी डब्ल्यू जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम चीज़ें, बस इसको जो है उल्टा करके मैंने जो है क्या किया है लिख दिया है। और इस स्टेट को क्या कहा जाता है, फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट जो है यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप जो है टोटल वॉल्यूम निकालो, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही अगर टोटल वेट निकालने के लिए बोलेगा तो टोटल वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो टोटल वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा, थोड़ा गलती मैंने बोल दिया सॉरी। तो टोटल वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको समझना है, जानना है। आप आगे जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार यहाँ पे मैंने यूज़ किया सॉइल सैंपल है ना, क्या मैंने यूज़ किया सॉइल सैंपल, या फिर आपको कई बार जो है टर्म दे देगा सॉइल मास, क्या टर्म दे देगा सॉइल मास। तो सॉइल सैंपल और ये जो सॉइल मास है इसमें क्या होता है कि ये थ्री फेज सिस्टम को कंसिस्ट करता है। ये किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, थ्री फेज सिस्टम को, जिसमें सॉइल सॉलिड, लिक्विड यानी वाटर है ना, और एयर, ये तीनों चीज़ जो है इसमें आपको कंसिस्ट करेगा। जब भी सॉइल मास या सॉइल सैंपल की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा याद रखना सॉइल सॉलिड, वाटर और एयर, इन तीनों के बारे में जो है उसमें कहा जा रहा है। इसका मतलब कतई नहीं समझेंगे कि सॉइल सैंपल इज इक्वल टू सॉइल सॉलिड, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ये पॉसिबल। कितना भी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दो, कंसोलिडेट कर दो, लेकिन उसमें लिटिल ऑफ द अमाउंट उसमें वॉइड जो है देखने को हमें, यानी उसमें या तो हवा या तो पानी देखने को मिलेगा ही। हम लोग पानी को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं सॉइल में से, लेकिन एयर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके अगर कोई और डाउट्स आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। बाकी कंटिन्यूसली इस तरीके के लेक्चर्स को देखने के लिए आप जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाइए। ये वीडियोस मैं 2022 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और ब्रैकेट में आपका 2022 लिखा हुआ रहेगा, वो लेटेस्ट प्लेलिस्ट आपको जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। उसमें आप जो है इस वीडियोस को प्रॉपर, मतलब जो 22 में मैं बना रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी जो है प्लेलिस्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताइएगा। ओके थैंक यू।